हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लंज की पीसीडी हम कैसे निकालें और उसका होल का साइज जो है उसको कैसे मैनेज करें। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है गाइस, तो वीडियो को पूरा वॉच करें और मन में कोई सवाल होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले तो गाइस हम ये पता कर लें कि आखिर पीसीडी होता क्या है। ठीक है गाइस, पीसीडी आखिर होता क्या है और उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो पीसीडी का मतलब ये होता है गाइस, जो ये हो गया अपना इनर प्लेट का, ठीक है, ये हो गया आउटर, ठीक है, जो इसे वो आउटर ओडी बोलते हैं। तो इसके बीच में जो लाइन हम खींचेंगे उसको बोला जाता है पीसीडी। ठीक है, जो जिस पे हम लोग होल का जो मार्किंग करेंगे उसको हम बोलते हैं पीसीडी। तो पीसीडी का फुल फॉर्म गाइस होता है पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखिएगा क्योंकि इंजीनियरिंग के आईटीआई पढ़ने में उसमें बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है गाइस कि पीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीसीडी का फुल फॉर्म गाइस होता है कि पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है गाइस, अब पिच हम, ठीक है, पीसीडी हम किसको बोलते हैं, पीसीडी ये रहेगा जो हम इसके बीच में जो लाइन खींचेंगे, ठीक है, होल मार्किंग के लिए इसको बीच में बनाएंगे उसे पिच पीसीडी बोला जाता है। ठीक है गाइस, तो अब पीसीडी हम मेजर कैसे करेंगे गाइस। तो सबसे पहले तो गाइस हम एक स्केल की मदद से इसको हम यहाँ इनर से आउटर तक जो साइज डिस्टेंस है हम उसे मैनेज कर लेंगे। ठीक है गाइस, इसमें देखिए कितना आ रहा है, 30 mm आ रहा है। ठीक है गाइस, 30 mm आ रहा है, तो 30 का हम आधा ले लेंगे। ठीक है, तो 30 का गाइस आधा हो जाता है 15। सबसे पहले हम इसका साइज जो है लिख देते हैं गाइस। ठीक है, नंबर वन हो गया आपका ओडी, ठीक है, और नंबर टू हो गया आपका आईडी। वीडियो में तो बंद, ठीक है गाइस, और नंबर थ्री हो गया आपका, थ्री भी हो गया आपका पी सी डी। ठीक है गाइस, और नंबर फोर पे आपका गया आपका गाइस फ्लंज ऑफ डायमीटर। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा ओडी जो है कितना है। तो ओडी गाइस हो गया आपका, ठीक है, 140, ये आईडी हो गया 180। ठीक है, ओडी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ओडी आपका 140। ठीक है, और आईडी कितना था, आईडी था 80। ठीक है, तो पीसीडी का साइज हम देख लेते हैं गाइस। ठीक है, तो पीसीडी का साइज जो है गाइस 110 है। ठीक है, चलिए इसको भी लिख देते हैं, ठीक है गाइस। अब इसका जो है हमें होल का देखना है, फ्लंज होल डायमीटर कितना है, फ्लंज का कितना रखना है। तो फ्लंज का हम मान लीजिए 10 रखते हैं, दस एम एम। ठीक है गाइस, चलिए आपको अब इसका जो है पीसीडी निकाल के दिखाते हैं। तो गाइस ये जो है अपने यहाँ से यहाँ तक जो है 30 आ रहा है। ठीक है, देखिए आपको ध्यान से देख रहे हैं, 30 आ रहा है, 30 का हम आधा करेंगे तो गाइस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 पे हम टिक लगा देंगे और 15 पे राउंड जो है इसका पीसीडी का मार्किंग कर देंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस ये जो है अपना पीसीडी, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पीसीडी। ठीक है गाइस, पीसीडी होल हमें कितना करना है, पीसीडी होल हमें 10 करना है। ठीक है,
तो गाइस यहाँ से वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से ही समझने वाली बात है गाइस, जो कि यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला आपको समझना बहुत ज़रूरी है गाइस, अगर प्लंज आपके पीसीडी निकालना है। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को पूरा वॉच करें गाइस, क्योंकि आधे में छोड़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फिर आप कमेंट करके बोल देंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पे वहाँ पे। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और गाइस अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो गाइस चलिए वो फार्मूला क्या है हम आपको लगा के बताते हैं, ठीक है। फार्मूला है गाइस 360 डिग्री, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स, ठीक है गाइस। मैं पूरा आपको हिंदी में समझा रहा हूँ गाइस, ठीक है, ताकि आपको भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। 360 डिग्री से हम भागा करेंगे, भाग करेंगे 10 से, तो हमारा कितना आएगा चलिए देख लेते हैं। 360 10 तो हमारा आ गया जो है 36, ठीक है, 36। 360 से हमने भाग किया था तो गाइस 36 आया था, 36 आया था। तो अब यहाँ का फॉर्मूला लगता है गाइस साइन, ठीक है, 36 इसको हम आधा कर देंगे, ठीक है, भाग करके हम आधा कर देंगे, तो इसका आंसर जो आएगा देखिए 18 आएगा, ठीक है, 18। तो अब इसको हम फार्मूला लगाएंगे साइन, ठीक है। फार्मूला कैसे लग देखिए गाइस, साइन, ठीक है, कितना था यहाँ पे 18, ठीक है, 18 हमारा ये आंसर आया बराबर, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे गुना करेंगे कितना है 110, ठीक है, 110 हमारा आंसर आया कितना गाइस 33.99, ठीक है गाइस, वही आंसर हमने यहाँ पे दिया है 33.99, मतलब इसको 34 ही हम गिनती में लेंगे, क्योंकि 30.999 जो है कंपास जो नहीं खुलेगा, ठीक है, और इसको हम 34 ही गिनती करेंगे, ठीक है गाइस। द फॉर्मूला तो गाइस आपने देख लिया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक गाइस जो 34 mm है, ठीक है गाइस, जैसे कि मान लीजिए कंपास से रहे तो उससे आपको थोड़ा सरल पड़ेगा 34, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ 30, 31, 32, 34, तो इसका जो मार्किंग रहेगा गाइस यहाँ से यहाँ तक का रहेगा, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये रहा, ठीक है गाइस, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अपना जो इसका डिस्टेंस है वो निकल गया, ठीक है गाइस। तो गाइस आशा करता हूँ कि आप पीसीडी निकालना अच्छे से समझ गए होंगे, अगर फिर भी कोई सवाल रह गया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा गाइस। तो गाइस अगर मेरे चैनल को न्यू विजिट है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके गाइस। तो मैं ऐसी ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ गाइस।